गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप लोग होप्स हो so, बहुत अच्छे हो बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगेड़ टीम केमिस्ट्री टीम सी एल सी वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सी एल सी देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का डी टी एस का जो एग्जाम चल रहा है उसका लास्ट मेजर है ये मेन्स का पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों ने जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं अभी हम लोग इसका एडवांस का सॉल्यूशन करेंगे मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन करवाऊंगा हमारे टीसी गुप्ता सर आप लोगों को फिजिकल का सॉल्यूशन करवाएंगे भैया मैन टाइम है लास्ट टाइम है अभी ये अच्छे से पढ़ाई करो जम के पढ़ाई करो बाकी और भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह चाहिए क्वेश्चंस वगैरह देखने हो तो हमारे बहुत सारे वीडियोस जो है गुरु नीति के फॉर्म में गुरु नीति की आई आई जे की गुरु नीति हम लोगों ने डाल रखी है केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सब है केमिस्ट्री पंच है फिजिक्स इको वगैरह फिजिक्स पंच वगैरह सब बहुत सारे क्वेश्चन है अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो जरूर देखो अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में पहला एक पैराग्राफ हम लोगों को दे रखा है क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर केम्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रेक्शन बट इट इज आल्सो ट्रू दैट नो आयनिक कंपाउंड इज हंड्रेड परसेंट आइनिक सही बात है कि क्रिस्टल कंपाउंड जो बनते हैं आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं उनमें कोई भी हंड्रेड आयनिक कैरेक्टर नहीं होता उनमें पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है ड्यू टू पोलराइजेशन और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं फजांस रूल कहते हैं पोलराइजेशन अफेक्ट सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ आइनिक कंपाउंड काफी सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है इफेक्ट करता है तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखा है पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटाइन इज लेस देन एन बिकॉज ठीक है देखो भैया अगर हम लोग कैटाइन में पोलराइजेशन देखें कैटाइन में अगर हम लोग पोलराइजेशन देखें तो इस तरीके से कैटाइन में ये थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो पोलराइज्ड होता है वहीं पे अगर मैं एनाइन में पोलराइजेशन देखूं, तो एनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा होता है ये कैटाइन है मेरे पास ये मेरे पास एनाइन है ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है कम होती है Z इफेक्टिव कम होता है इसमें Z इफेक्टिव ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव कैसे देखते हैं हम लोग प्रोटोन इलेक्ट्रॉन के रेशियो से देखते हैं तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज मोर देन वन फॉर एनआईन एनआईन में ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन क्या होंगे कम तो प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या वो रेशियो मोर देन वन आएगा नहीं भैया ये तो स्टेटमेंट ही गलत है अगला प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज लेस देन वन फॉर एनाइन स्टेटमेंट तो ठीक है बट हम लोगों से तो कैटाइन के लिए पूछा है ना कि कैटाइन का कम क्यों होता है ये तो एनाइन की बात कर रहे हैं हम लोग मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन प्रॉपर नहीं है प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज मोर देन वन फॉर कैटाइन बिल्कुल कैटाइन अगर होगा तो प्रोटोन ज्यादा होगा रेशियो मोर देन वन होगा यहां तक ठीक है बाईविच इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिवली लूजली हेल्ड कंपेयर टू एनाइन नहीं भैया कैटाइन है प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो मोर देन वन है तो वो टाइटली बाउंड है और तो टाइटली अगर बाउंड है तो वो लूजली हेल्ड नहीं होंगे ये स्टेटमेंट गलत है मेरे पास नेक्स्ट प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज मोर देन वन फोर केटाइन बिल्कुल मोर देन वन होगा अभी ऊपर देखा हम लोगों ने वाई लेस देन वन फोर एनआईन ये बात भी सही है बाई विच

सी एस एक्स एल आई एक्स एक्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या ये करेक्ट है ठीक है एक बार को देखने में लगता है कि हाँ करेक्ट है लेकिन भैया ध्यान देना ये करेक्ट तब होता जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता फ्लोरीन के केस में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता फ्लोरीन अगर है तो ऑर्डर जो है वो हमारे पास में एन एफ लिख रहा हूं इसको मैं एन एफ उसके बाद में हम लोग लिखेंगे के एफ उसके बाद में एल आई एफ आता है फिर हम लोग आर बी एफ और सी एस एफ ये ऑर्डर फॉलो होता है इन द केस ऑफ फ्लोरीन तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए ठीक है कि एल आई एक्स में कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो सबसे लास्ट में लेकिन किसके लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए नेक्स्ट देखो सी एस सी एलो फोर आरबीसीएल के सी एल ओ फोर एन ए सी एलओ फोर एल आई सी एलो फोर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है इसमें कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है इसलिए सबसे लास्ट में है ये ऑर्डर मेरे पास में करेक्ट है नेक्स्ट बीई एफ टू एम जी एफ टू सी एफ टू एस आर एफ टू बी एफ टू यहां पे सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर फॉर द फ्लोरिन भैया यहां पे जो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आता है ना फ्लोरिन के लिए ये हमारे पास में आता है जब फ्लोरिन है तो एम जी एफ टू ये ऑर्डर फॉलो होता है बीई एफ टू इधर हमारे पास में आता है तो ये ऑर्डर भी मुझे गलत दे रखा है नेक्स्ट एम जी ओ बीओ कोवलेंट करैक्टर कोवलेंट कैरेक्टर में तो पहले कौन आएगा बी आएगा बीई ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है एम जी ओ से फिर एम जी ओ आएगा फिर सी ए आएगा एस आर ओ आएगा एस आर ओ आएगा और फिर हमारे पास में बी ए ओ आएगा तो भैया ये जो करेक्टर ऑर्डर है ये भी गलत है करेक्ट कौन सा है केवल सेकंड वाला सेकंड आंसर हो जाएगा चले हम लोग आगे नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड कुछ कंपाउंड्स मुझे दे रखे हैं उनमें क्या देखना है मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है रेजोनेंस में है सीएच टू पॉजिटिव बिल्कुल इधर भी है इधर भी है तीनों में ही रेजोनेंस है अब देखो अगर रेजोनेंस होगा अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग रेजोनेंस करवा के इस पोजिशन पे लेके आ सकते हैं बोलो लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते बिल्कुल लेके आ सकते हैं और हम लोग क्या बना देंगे इधर हम लोग यहां पे अगर रेजोनेंस करवाएं पॉजिटिव चार्ज इधर ये डबल बॉन्ड सी एच टू या आपका डांसिंग रेजोनेंस या मिसलिनियस कार्बोकैटाइन कहते हो वो बन गया और इसमें भी भैया अगर सी एच थ्री और एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे इसको ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा मिसलिनियस कार्बोकेटाइन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ऐसा मुझे इधर ज्यादा प्लस आई है इसमें कम है उसमें और भी कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट फर्स्ट के बाद में सेकंड सेकंड के बाद में थर्ड और ऐसा ऑर्डर मुझे फर्स्ट वाले में दे रखा है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था चलें हम लोग आगे नेक्स्ट एल्काइन एल्काइन दे रखी है है और Elkine से मुझे मुझे यहां तक पहुंचना तो मुझे क्या रिएजेंट काम में लू ठीक है भैया देखो ब्रोमीन ब्रोमीन मुझे जोड़ रखा है और थ्रियो बना रखा है क्या बना रखा है यहां पे थ्रियो मुझे पता है ब्रोमीन कैसा एडिशन देता है ब्रोमीन कैसा एडिशन देता है Br2 अगर मैं काम में लू तो एंटी एडिशन देता है ठीक है ना और अगर मैं कोई सिस एल्किन लू अगर मैं सिस पे एंटी एडिशन करवाऊं तभी मुझे मिलेगा। सिस पे एंटी एडिशन, तभी थ्रीओ मिलेगा थ्रीओ दे रखा है इसका मतलब इसका मतलब यहां पे हमारे पास में जो एल्किन है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इस पर मैंने कोई रिएक्शन करवाई है ब्रोमिनेशन सी सी एल फोर वगैरह या क्लोरोफॉर्म जो भी आप लोगों को दे रखा है इसकी रिएक्शन करवाओगे तभी आपके पास में थ्रियो कंपाउंड बनेगा थ्रियो कंपाउंड बनेगा और ये एल्किन अगर मुझे एल्काइन से बनानी है एल्काइन से अगर मुझे ये एल्कीन बनानी है तो क्या काम में लेना पड़ेगा से एल्किन बनानी है कैटलिस्ट काम में ले सकता हूं मैं या निकल बोराइड काम में ले सकता हूं मैं ठीक है या फिर बल्कि बोरेन काम में ले सकता हूं मैं खैर हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमें दे रखा है एन एन एच थ्री भैया ऑप्शन ही गलत क्यों गलत क्योंकि ये तो ट्रांस बनाएगा हमें क्या चाहिए हमें सेल्किन चाहिए बर्थ डोडक्शन दूसरा एच टू पी डी सी ए सी थ्री लिंकारिस्ट दे रखा है आगे एच बी आर एच बी आर तो एल्किन पे केवल एक ब्रोमीन जोड़ेगा हमें कितना चाहिए दो ब्रोमीन ये भी गलत एक्सेस एच टू पीडी वो तो सीधा एल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा एल्केन में कन्वर्ट करेगा ये भी गलत एच टू पीडी सी मुझे क्या दे रखा है BR2 दे रखा है क्लोरोफॉर्म दे रखा है बिल्कुल हमें भी यही चाहिए भैया फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अब हमारे पास में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले हैं तो इनको देखते हैं हम लोग

क्लोरीन का ब्रोमीन का और उन दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है और जब भी इंडक्टिव देखते हैं तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं रूल लगाते हैं जब इंडक्टिव देखना होता है तो हम लोग डी एन पी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं हैं मतलब सबसे पहले डिस्टेंस देखते फिर नंबर देखते हैं फिर पावर देखते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इसकी तो बाद में इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है माइनस आई के हैं जितना ज्यादा माइनस आई का ग्रुप होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस दोनों में बराबर है लेकिन नंबर किसका ज्यादा है नंबर इसमें ज्यादा है दो क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा यही मुझे दे रखा है उसके बाद अब इधर देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि माइनस आई का जो डिस्टेंस है वो इधर विद के पास में है और ये माइनस आई है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इससे इधर देखे तो भैया इसमें है क्लोरीन इसमें है ही नहीं तो मतलब फर्स्ट वाला मुझे एकदम सही दे रखा है एसिडिटी ऑर्डर एकदम करेक्ट है अगले वाले पे आ जाओ सीओओ एच फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग दे रखा है सीओ एच ज्यादा एसिडिक किससे एल्कोहल से बिल्कुल सही है और ये ज्यादा एसिडिक कीटोन के बगल में ये एस पी थ्री हाइड्रिडाइज कार्बन है उसका हाइड्रोजन सही है और ये ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन उससे भी क्या होगा कम एसिडिक होगा क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा भैया वो ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के लॉन पेयर में कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता तो ये भी सही है अपने पास में यहां पे हमसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है और ये दे दिया तो जब भी ऐसे आ जाए ना अमीन के क्वेश्चन उनको क्या करो आप बेसिसिटी का ऑर्डर देख लो या तो कॉन्जुकेट बेस बना लो ठीक है या सिंपल से उनका बेसिसिटी का ऑर्डर देख लो उसका रिवर्स कर दो अब इसमें अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं बेसिसिटी का ठीक है ना कैसे भी कर सकते हो आप कॉन्जुगेट बेस निकाल के भी कर सकते हो बेसिसिटी कर सकते हो अब ज्यादा इजी बेसिसिटी वाला लगता है कि डायरेक्ट हो जाएगा तो हम लोग वैसे कर लेते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक पूछे तो कौन सा होगा फर्स्ट वन होगा फर्स्ट वन सबसे ज्यादा बेसिक उसके बाद में मेरे पास में थर्ड वन आएगा क्योंकि ये दोनों ही कैसे एलिफेटिक अमीन है ये मेरे पास में थ्री डिग्री है ये टू डिग्री है उसके बाद में भैया आएगा मेरे पास में सेकेंड नंबर क्योंकि उसका लॉन्ग पेयर रेजोनेंस में है लास्ट में आएगा ये अमाइड अमाइड लास्ट में आएगा तो ये बेसिसिटी का एसिडिटी क्या हो जाएगा फोर टू वन थ्री लेकिन ये ऑर्डर मतलब गलत है अपने पास में एसिडिटी इसका जस्ट रिवर्स कर लोगे ग आप नेक्स्ट आ जाओ लास्ट वाले पे यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है ये कौन सा है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ये कौन है ये फिनॉल है ये नॉर्मल एल्कोहल है तो फिनॉल नॉर्मल एल्कोहल से ज्यादा होता है ज्यादा पी के वैल्यू होती है या फिर कह कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है उसके अंदर और लास्ट में ये कौन है ओ सी एस थ्री मतलब एस सी एच थ्री से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे सबसे कम एसिडिक भैया ये भी करेक्ट है तो मोर देन वन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का वन कॉमा टू कॉमा फोर वन टू फोर ठीक है क्लियर है चले आगे नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एस एन वन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन के लिए करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए तो हम लोगों को पता है कि जब भी हमसे एस एन वन रिश्ता का ऑर्डर पूछे हम लोग क्या देख लेते हैं हम लोग देखते हैं एस एन वन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटाइन हम लोगों से एस एन वन सीधा पूछ सकता है हमसे यह पूछ सकता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा हो रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा रेसमाइजेशन हो रहा है कैसे देखेंगे अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एस एन वन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तो रेसमाइजेशन होगा एस एन टू के लिए अगर हमसे पूछे तो फिर हम लोग ये नहीं देखते भैया फिर हमारे पास में स्टेरिक देखते हुए ऑर्डर देखते हैं हम लोग जो ऑलरेडी आप लोगों को करवाया होगा तो देखो इसमें अगर मैं क्लोरीन को निकालू तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा इस थ्री मेंबर रिंग के ऊपर आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल थ्री मेंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एसपी टू कार्बन आना उसके ऊपर कम स्टेबल होगा तो यहाँ पे ये ऑर्डर मुझे क्या दे रखा है गलत दे रखा है क्योंकि इसको निकालूंगा इधर आएगा मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज ये फिर भी कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल है तो पहला ऑर्डर मुझे गलत दे रखा है सेकंड क्लोरीन इधर से निकाल रहे हैं और एक इधर से निकाल इसमें से तो निकलेगा ही नहीं ये एस एन रिएक्शन नहीं देगा तो ये क्या हो गया मेरे पास में ये भी ऑर्डर क्या हो गया रॉन्ग हो गया भैया क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा रेजोनेंस में उसका लॉन्ग पेयर इधर आ जाओ इधर इन क्लोरीन को निकाला

तो ये क्लोरीन को निकाल दूं अब ये क्लोरीन ओ का तो हम लोग अगेन क्या देखेंगे प्लस आर बट क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या देखते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट देखते हैं भैया माइनस आई तो कौन डोमिनेंट यही होगा स्टेबल कार्बोकट यहीं पे बनेगा मतलब फोर्थ वाला भी जो है मेरे पास में करेक्ट है आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का थ्री एंड फोर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द मिनरल्स आर ऑक्साइड ठीक है ऑक्साइड है अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें सिलवाइन का सिलवाइन देखें तो ये के सी एल प्लस एन ए सी एल से बना हुआ होता है सॉल्ट पीटर के एन ओ थ्री तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑक्साइड है क्या नहीं फर्स्ट वन कैंसिल हो गया कैसेटराइट और लिथार्ज कैसेटराइट क्या होता है अपने पास में भैया एस एन ओ टू लिथार्ज क्या होता है PBO, ये हो सकता है दोनों के दोनों ऑक्साइड दे रखे है मुझे FeCO3 कार्बोनेट है Al2O3 है ये हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोनेट दे दिया ना हमसे ऑक्साइड पूछा है क्यूपराइट क्यूपराइट क्या होता है सीयू टू टिनस्टोन एस एन ओ टू क्या हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा दोनों के दोनों ऑक्साइड दे रखे तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में यहां पे सेकेंड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखें हम लोग ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एच टू एसओ फोर विच ऑफ द फॉलोविंग सॉल्ट विल गिव आउट ए गैस दैट टर्न्स एन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन देखना भैया अगर Na2CO3 की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ में डाइल्यूट एच टू एसओ फोर के साथ तो हमें क्या मिलेगा Na2SO4 ए टू प्लस एच टू ओ प्लस टू और ये जो हमें दे रखा है ना एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर डाइक्रोमेट पेपर मतलब Cr2O7 दे रखा है और एसिडिफाइड सॉल्यूशन दे रखा तो मैं एच टू भी लिख सकता हूँ सिंपल सा क्या कर दू भैया कि ये मेरे पास में प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये प्लस थ्री में जाएगा तभी ये ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन कलर इसको ऑब्जर्व होगा एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन कलर का हो जाएगा कब जब ये क्रोमियम प्लस थ्री में जाएगा इसका रिडक्शन हो रहा है तो कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन होता हो यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ये मेरे पास में सॉल्यूशन नहीं है एन ए टू एस की रिएक्शन करवाऊं, एन ए टू एस की रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में डायल्यूट एच टू फोर क्या बनेगा एन ए टू फोर प्लस मेरे पास में यहाँ पे बन जाएगा एच टू एस भैया सल्फर जो है वो किस में है माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में डाइक्रोमेट उसका ऑक्सीडेशन कर देगा खुद का रिडक्शन हो जाएगा मतलब मेरे पास में एन ए टू एस पॉसिबल है बिल्कुल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाले में देखूं SnCO3 के साथ में SnCO3 के साथ में मैं देखूं तो भैया ये क्या करेगा डाइल्यूट H2SO4 इसे वही Sn+2 में ही रखेगा ठीक है और H2CO2 वो बाहर निकाल देंगे अब Sn+2 जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है Sn+2 में कि +4 में Sn+4 ज्यादा स्टेबल होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते हो वहां पे हम लोग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं कौन सी ज्यादा स्टेबल है माना कि ऊपर से नीचे आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है बट एस तक अगर हम लोग बात करें तो प्लस फोर ज्यादा स्टेबल जो लास्ट वाले है ना एस के पास में जो पी आएगा ठीक है उसमें प्लस टू प्लस फोर से ज्यादा स्टेबल होगी लेकिन यहां पे प्लस फोर प्लस टू से ज्यादा स्टेबल है तो मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन कौन कर देगा ये डाइक्रोमेट पेपर कर देगा तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल हो सकता है एफ क्या बनाएंगे भैया यहाँ पे भी हम लोग एस माइनस बनाएंगे तो ये जो डाइक्रोमेट है वो दोनों का ऑक्सीडेशन कर सकता है किसका एक तो मेरे पास में जो होगा FeSO4, उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है एफ ई प्लस टू के अंदर प्लस थ्री के अंदर और ये जो है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यहां भी हम लोग इस एफ ई एस को भी काम में ले सकते हैं तो क्या क्या आंसर हो गया मेरे पास में आंसर टू कॉमा थ्री कॉमा आंसर हो गया चले हम लोग नेक्स्ट देखें ये आप लोगों के साथ में टीसी गुप्ता सर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं भैया किसके ऊपर इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें इससे यह बनाना है और उसमें पूछा कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स हमारे पास में बन रही है तो देखें सबसे पहले आप क्या करोगे ये जो ओ दे रखा है इसके ऊपर आप प्रोटोनेशन करवाओगे जो भी आपको एसिडिक सोर्स दे रखा है तो आपने सबसे पहले यहां पे एक ऑक्जोनियम आयन बनाया ओ एच एच ये पॉजिटिव ऑक्जोनियम आयन बनाया अब क्या करोगे ऑक्सोनियम आयन में से एच टू एलिमिनेट करवाओगे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन बना अब क्या करवाओगे रिंग एक्सपेंशन करवाओगे ठीक है ना ये फोर मेंबर रिंग फाइव मेंबर रिंग में चली जाएगी वन टू एल्काइल भी कह सकते हो रिंग एक्सपेंशन भी कह सकते हो तो मैंने ये फोर से एक फाइव मेंबर रिंग बना दी पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां पर आ गया इसमें फिर वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट आपने जब करवाई तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया और इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट कराओगे तब ये फोर मेंबर रिंग के बगल वाले पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या बन जाएगा एक फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी एक स्पाइरो टाइप का मेरे पास में स्ट्रक्चर बन जाएगा इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है अब ये जो रिंग है मेरे पास में कौन सा फाइव और ये जब रिंग एक्सपेंशन शो करेगा तो देखो भैया क्या करेंगे हम लोग फाइव से सिक्स मेंबर रिंग बना देते हैं तो यहां पे मैंने एक सिक्स मेंबर रिंग बनाई इससे अटैच एक फाइव मेंबर रिंग हो गई मेरे पास में यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया अब इसमें से मैं क्या करूं एच प्लस को एलिमिनेट कर दूं एलिमिनेट कर दूं तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बना देंगे और हमसे पूछा क्या है हमसे भी तो यही स्ट्रक्चर पूछा है सिक्स और ये फाइव बीच में डबल बॉन्ड अब इनमें हमें क्या काउंट करना है हमें ट्रांजिशन स्टेट काउंट करनी है वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन हमेशा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट काउंट करेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे प्लस वन कर देंगे तो देखो भैया इंटरमीडिएट काउंट कर लेते हैं हम लोग ये मेरा पहला इंटरमीडिएट ये मेरा फर्स्ट इंटरमीडिएट ये मेरा सेकंड इंटरमीडिएट इधर मेरा थर्ड इंटरमीडिएट ये फोर्थ इंटरमीडिएट ये फिफ्थ इंटरमीडिएट ये मेरे पास में सिक्स इंटरमीडिएट और वो तो प्रोडक्ट है तो इंटरमीडिएट कितने हैं सिक्स ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी सेवन ठीक है सिक्स प्लस वन सेवन आंसर क्या हो जाएगा जीरो सेवन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ओके टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एक्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हमें बोला है तो देखो हम लोग करवा लेते हैं यहां पे क्लोरिनेशन ये सिंगल बॉन्ड है इसके ऊपर ये मिठाई लगा हुआ है कहाँ पे क्लोरिनेशन करवा सकते हैं एक इस पोजिशन पे करवा सकते हैं एक हम लोग इस पोजिशन पे करवा सकते हैं दो बन गए स्टीरियो नहीं देखनी हमें हमें स्टीरियो देखनी ही नहीं है बोला है साफ साफ एक यहाँ पे, पे करवा सकते हैं एक यहां पे करवा सकते हैं अब इनके अलावा अगर इधर करवाया तो सेम प्रोडक्ट बनेगा इधर करवाया तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने बन रहे हैं मेरे पास में ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जीरो फोर ये किसकी वैल्यू है मेरे पास में एक्स की वैल्यू है नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है हम लोग यहाँ पे क्लोरिनेशन करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा सकते हैं हम लोगों ने इस पोजिशन पे क्लोरिनेशन करवा दिया एक हम लोगों ने भैया इस पोजीशन पे क्लोरीनेशन करवा दिया अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव क्या पहले वाले में कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ नहीं सेकंड वाले में बिल्कुल जनरेट हुआ भैया इस पोजीशन पे जनरेट हुआ तो ये बन जाएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव और साथ में इसकी जो मिरर इमेज है मिरर इमेज वो भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव ही है तो इधर कितने ऑप्टिकली एक्टिव मिले हमें दो अगले वाले में क्या ये कोई कायरल सेंटर है नहीं इसमें कोई कायरल सेंटर है बिल्कुल है यहां पे कायरल सेंटर देखें तो ये काइरल सेंटर हमारे पास में बन रहा है तो इसमें कितने होंगे इसमें भी दो होंगे टू प्लस टू टो टोटल गए यहां पे। चार बन गए ये हमारा आंसर आंसर हो जाएगा अच्छा गएगा एक्स प्लस हमसे हम तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे y इक्वल्स टू फोर आ गया वाईक्वल्स टू फोर आ गया हमसे x प्लस वाई पूछा है मतलब फोर प्लस फोर पूछा है क्या हो जाएगा भैया एट आंसर हो जाएगा एट वुड बी आंसर बात क्लियर चले आगे नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर नॉन पोलर नॉन पोलर पूछा है सी ओ टू यही स्ट्रक्चर होता है नॉन पोलर है बिल्कुल है भैया इसका डायपोल इधर इसका डायपोल इधर ओवरऑल क्या मिलेगा हमें जीरो मिलेगा मतलब नॉन पोलर है सी थ्री ओ टू सी थ्री ओ टू ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ये इधर डायपोल ये इधर डायपोल ओवरऑल क्या हो गया अपने पास में जीरो जीरो हो गया तो भैया ये भी क्या हो गया ये भी नॉन पोलर हो गया ओ OH एच और ओ OH, एच ये होंगे क्या नॉन पोलर होंगे क्या नहीं भैया बिल्कुल नहीं होंगे ये पोलर है मेरे पास में क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से जो अटैच हाइड्रोजन है उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है जरूरी नहीं कि वो मेरे पास में एकदम ओपोजिट हो ठीक है तो ये कैसा है ये पोलर है ये पोलर है ऐसे ही सेम एस एच कैसा होगा पोलर एनओ टू और ओ OH एच दे दिया अगर दोनों तरफ एनओ टू एनओ टू देता ना तब तो वो नॉन पोलर हो जाता तब तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता जीरो हो जाता लेकिन एक ओएच OH दे दिया अब तो ग्रुप ही अलग अलग है पोलर होना ही होना है फिर क्या दे दिया मुझे यहां पे सीएल और तीन सी एल दे दिया अब देखो जब तीन सीएल दे दिया तो इन दोनों सीएल का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में ठीक है और इसका रिजल्टेंट किधर होगा ऊपर की डायरेक्शन में कितना एंगल है ये म्यू इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल है और आप लोगों ने पढ़ा हो जब वन डिग्री ट्वेंटी डिग्री का एंगल है दोनों सेम है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा इधर म्यू आएगा ये भी क्या इधर म्यू है तो दोनों कैंसिल आउट तो ये भी कैसा है मेरे पास में नॉन पोलर है इसको भी मैं काउंट करूंगा अभी तक कितने हो चुके वन टू थ्री हो चुके भैया नेक्स्ट आ जाओ एक्सई एफ फाइव नेगेटिव दे रखा है एक्सई एफ फाइव नेगेटिव तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो कितना आएगा एट फाइव वन ओके ये आ जाएगा मेरे पास में डी थ्री एस पी थ्री स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है लेकिन इसमें मेरे पास में है कितने केवल कि पांच ही एटम्स इससे जुड़े हुए हैं दो क्या होंगे लॉन पेयर होंगे तो मैं इस तरीके से जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसकी पेंटागोनल टाइप की स्ट्रक्चर बनाऊंगा बीच में एक्सई है ये पांचों पोजीशन पे फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन है ऊपर मेरे पास में लॉन पेयर होगा नीचे मेरे पास में लॉन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज तो भैया हो क्या गया यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल क्या आएगा जीरो ही आएगा यहाँ पे तो ये भी कैसा है मेरे पास में नॉन पोलर है एक्स फाइव पॉजिटिव जब पॉजिटिव दिया है ना तो अब यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो डी टू एस पी थ्री आएगा इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो डी टू एस पी थ्री होता है लेकिन एक लॉन पेयर लॉन पेयर है तो हम लोग क्या बना देंगे यहाँ पे अच्छा ये पेंटागोनल प्लेनर है ये मैंने ओवरऑल ज्योमेट्री बताई और वैसे स्ट्रक्चर क्या होगी इसमें पेंटागोनल प्लेनर होगी यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर मेरे पास में कुछ ऐसा बनेगा ई e से जुड़े हुए फ्लोरीन 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 ये पांचों है और चार तो ये होगा एक फ्लोरीन ऊपर एक मेरे पास में इधर होगा इस एक्सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या इसका डाइपोल जीरो हो सकता है नहीं क्योंकि ऊपर एक फ्लोरीन है इधर जीरो है इधर लॉन पेयर है तो ये पोलर होगा पोलर होगा सीएलएफ थ्री कैसा स्ट्रक्चर होता है टी टी शेप स्ट्रक्चर होता है ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन दो पेयर अपने पास में इधर होते हैं है ना तो ये भी कैसा होगा पोलर होगा हमसे क्या पूछा है हमसे नॉन पोलर पूछा है कितने हो गए नॉन पोलर वन टू ये वन ये टू टू ये थ्री थ्री ये और ये फोर फोर टोटल चार हो गए भैया भाई मेरे पास में ठीक है आंसर क्या हो जाएगा जीरो फोर आंसर हो जाएगा क्लियर है बात चले हम लोग आगे नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला एम ए टू बी टू सी डी एम ए टू बी टू सी डी में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करें हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कितने आइसोमर बन रहे हैं ठीक है उनमें फिर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे उनको डिफ्रेंशियट कर लेते हैं तो देखो भैया क्या क्या दे रखा है मुझे इस तरीके से देखना ये ए टू दे रखा है बी टू दे रखा है सी डी दे रखा है मुझे क्या दे रखा है सी डी दे रखा है मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो मैं लिखूंगा ए ए लिख सकता हूँ बी बी लिख सकता हूँ सी डी लिख सकता हूँ ठीक है इस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं ए के साथ में ए को कर दिया बी के साथ में बी सी के साथ में डी और ये जो ए ए लिखा हुआ है वो किधर है वो ओपोजिट है मतलब ए ए इधर है तो बी और बी एक दूसरे के 180 पे है इस तरीके से सी डी किधर होगा सी इधर होगा तो डी इधर होगा ये इस तरीके से ऑक्टा हम लोग बना देते हैं तो यही मैं कॉम्बिनेशन जो है वो देख रहा हूं मैं पहला मैंने ए ए बी बी सी डी लिखा दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं ए बी ए बी सी डी लिख सकता हूं ए बी ए बी सी डी लिख सकता हूं ठीक है और अगर हम लोग देखें तो मैं लिख सकता हूं ए सी ए डी ए सी के क्या बच गया मेरे पास में बीबी बच गया इसके अलावा मैं लिख सकता हूं ए बी ए सी और बी डी ए बी ए सी बी डी लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं मैं ए ए बी सी बी डी लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं मैं ए बी ए डी ए बी ए डी बी सी लिख सकता हूं देखो सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग है कहीं भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है जैसे यहां पे दो ए दो बी सी डी दो ए दो बी सी डी दो ए दो बी सी डी हो गया दो ए है बी बी है सी डी है दो ओके ए सी बी सी ये हो गया क्या ए ए ले लेते हैं इसको ए ए बी सी सी डी ठीक है ये रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे ए बी ए डी बी सी ठीक है अब देखो भैया अगर सेम आ रहे हैं ए और ए सेम हो रहा है तो मतलब समझ जाना कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये मेरे पास क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ए बी ए बी अगर सेम ग्रुप रिपीट हो रहा है ए बी ए बी हो गया वो भी क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बी अगेन सेम आ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव ये ए बी ए सी बी डी इसमें कोई भी ना तो ऐसे रिपीट हो रहा है और ना ही कोई दो सीक्वेंस रिपीट हो रही है तो ये क्या होगा मेरे पास में ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्टिकली एक्टिव है एक तो एक इधर अब ए ए, ए ए की बात करूं तो फिर से क्या हो गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया इधर आ जाओ ए बी ए डी बी सी ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसके भी कितने बन जाएंगे दो बन जाएंगे तो टोटल कितने बन गए मेरे पास चार बन गए ऑप्टिकली एक्टिव पूछे ना मुझसे तो टू प्लस टू फोर आंसर हो गया जीरो फोर आंसर हो जाएगा हमारा बात क्लियर चले हम लोग आगे चलो नेक्स्ट भैया ये सारे आप लोगों के साथ में हमारे टीसी गुप्ता सर टीम केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा भैया बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पेपर देना अपना कंफ्यूज मत होना जो इजी लगे जो टॉपिक अच्छा लगे उन्हें पहले सॉल्व करना अच्छे से पेपर दो अच्छे से सिलेक्शन बेस्ट ऑफ लक तो हम कंटिन्यू करते हैं पेपर टू एडवांस ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करेंगे यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए है सेक्शन ए आपका बोले तो एस सी सिंगल चॉइस ठीक है यानी आपका ओनली फोर में से वन करेक्ट है तो फिजिकल यहां में स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर फाइव से तो फाइव देखते हैं हम क्या है हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉम कैलोरीमीटर ध्यान देना बॉम कैलोरीमीटर से जो भी हीट की वैल्यू आएगी बॉम कैलोरीमीटर काम करता है वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे किस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आएगी उसको हम बोलते हैं डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई यानी डेल्टा ई की वैल्यू आएगी इसकी हीट कैपेसिटी फाइव हंड्रेड जूल पर कैलविन वैन 0.1 पॉइंट वन ग्राम ऑफ मिथेन वन इन दिस कैलोरीमीटर द टेम्परेचर राइज बाय टू डिग्री सेल्सियस ठीक है टू डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाता है द डेल्टा यू देखो डेल्टा ई पूछा है पर मोल ठीक है एक बॉम कैलोरीमीटर की उसमा धारिता अपने पास है 0.1 ग्राम मिथेन को जब इस कैलोरीमीटर में जलाते हैं तो तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो प्रति मोल यानी एक मोल के लिए तो जीरो पॉइंट वन ग्राम मिथेन अपने पास जीरो डेल्टा तो टी से करना पड़ेगा जूल पर यूनिट देख लिया करो आप अगर जूल पर ग्राम में कुछ ऐसा वैल्यू दे हो अगर आप दिमाग में कन्फ्यूज हो कि ये क्या है तो जूल पर केल्विन पर ग्राम क्या होगा टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा और वेट इन ग्राम से भी होगा बट जूल पर केल्विन ओनली डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा यानी क्या एस डेल्टा टी एस हम क्या मान रहे हैं यहां पे हीट कैपेसिटी क्या मान लेते हैं हीट कैपेसिटी ठीक है कितनी हो जाएगी बोलो एस की वैल्यू कितनी है 500 जूल पर केल्विन इंटू डेल्टा टी कितना है टू डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या कैलिन में हो एक ही बात है डिफरेंस में कभी कोई अंतर नहीं आता तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई टू से ठीक तो ये कितना हो गया टेन टू पावर थ्री जूल क्लियर ये क्या पूछ रहा है डेल्टा यू का मान प्रति मोल पर मोल पूछ रहा है और वन मोल में कितने होते हैं सिक्सटीन ग्राम मोलर मास कितना होता है इसका सिक्सटीन ग्राम तो सिम लगा दे हम 0.1 ग्राम से कितनी हीट निकलती है 1 आंसर किलो जूल में है क्या 1 किलो जूल तो नेक्स्ट वर्ड 3 किलो जूल का मतलब क्या होगा 1 किलो जूल हो गया ना तो 1 से कितनी निकलेगी 1 अपॉन 0.1 तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी 160 किलो जूल और कंबस्टर में ऑलवेज एन्थैल्पी नेगेटिव होती है इसलिए आंसर क्या आएगा पूछ क्या रहा है डेल्टा यू की वैल्यू तो क्या आएगा -160 किलो जूल ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव तो आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की द एंथेल्पियो फ्यूजन ऑफ आइस डेल्टा एच एफ डेल्टा एच एफ की वैल्यू है एंथेल्पियो फ्यूजन है आइस के लिए सिक्स पॉइंट जीरो टू किलोजूल पर मोल ठीक बेटा द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये वाटर की हीट कैपेसिटी देखो यूनिट पर पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज कंटेनिंग वन मोल ऑफ वाटर एक आइस क्यूब में वाटर का एक मोल है ठीक है आर नीडेड टू कूल 500 ग्राम लिक्विड को 20 से 0 तक कूल करना है ठीक यानी बर्फ के गलन की उष्मा है जल की धारिता है तो न्यूनतम बर्फ के टुकड़ों की संख्या ज्ञात करो जिनका उपयोग 500 ग्राम द्रव जल को 20 से 0 तक ठंडा करने के लिए काम आ सके ठीक है यदि प्रत्येक बर्फ के टुकड़े में जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक मोल है इटमीन्स क्या होगा देखो बर्फ के द्वारा दी गई इसमा हीट रिलीज बाई आइस हीट रिलीज बाई आइस बर्फ बर्फ के द्वारा दी गई इसमा। ठीक है so, यानि कूल करना सॉरी उष्मा देगी नहीं है कूल करेगी टेम्परेचर कम करेगी इक्वल टू क्या होगा वाटर हीट देगा यानी अगर बात करें हम तो उसको एक्जैक्टली हम लिख देते हैं सही लिख देते हैं हीट रिलीज वॉ वाटर हीट रिलीज्ड बाय वाटर या हॉट वाटर जो भी है वो हीट देगा इक्वल टू हीट गेन बाय आइस हीट गेन बाय आइस बर्फ के द्वारा ली गई उसमा ठीक है अब वाटर कितने हीट व्यूज करेगा वाटर के लिए क्या दिया हुआ आपको हीट कैपेसिटी तो हीट क्या जाएगी ये किसकी वैल्यू है एस की वैल्यू है तो हीट क्या होगी एम एस डेल्टा टी क्या होगी एम एस डेल्टा टी इक्वल टू तो क्या होगा हीट गेन बाय आइस आइस कितनी हीट गेन करेगा डेल्टा एच एफ पर मोल है तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल एन डेल्टा एच एफ बोलो कोई दिक्कत अब नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ आइस क्यूब आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे क्योंकि एक आइस क्यूब में एक ही मोल है ठीक है तो वैल्यू पुट कर दे हम 500 वाटर कितना है 500 ग्राम इनटू एस कितना है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया और पर डिग्री सेल्सियस कितना टेंपरेचर करना है 22 0, और टेम्परेचर डिफरेंसिन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ट्वेंटी कैलकुलेट करना है और ये क्या है डेल्टा एच एफ कितना है? अब ध्यान ये किस में है किलो जूल में तो इसको भी जूल में हम कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू किसमें है जूल में है ठीक और ये भी क्या दे रखिए पर मोल तो गिवन है तो यहाँ हम सोल्व करें तो क्या जाएगा आंसर एन की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या आएगी सेवन कितनी आएगी सेवन आएगी। नहीं आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है क्लियर बेटा नेक्स्ट सेक्शन बी इसमें आपके वन और मोर देन वन ठीक है तो देखते इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर है फाइव ए टू ओ एन इज ऑक्सीडाइज टू माइनस और कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज

ए टू ओवन का ऑक्सीकरण इसमें करते हैं ये मोल दे रखे हैं और इसको केवनोफोर की मात्रा है तो कौन कौन से कथन सत्य है एन की वैल्यू पूछ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है और किसके लिए कितने मोल चाहिए ए आवर सारणी में कहाँ बिलोंग करेगा तो इस टाइप के रिजल्ट ये पूछ रहा है तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विपेंट ग्राम तुल्यांगों की संख्या इक्वल कर दो तो रिएक्शन देखता हूँ देखो पहले मैं ए टू ओवन रिएक्ट विथ एम एन ओ फोर माइनस एन ए टू ओ एन ऑक्सीडाइज इन एनसिडिंग मीडियम में हमें पता है इससे बनेगा एम एन प्लस टू क्लियर अब बात करें दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रैम इक्वलेंट इक्वल कर दे हम तो नंबर ऑफ ग्रैम इक्वलेंट ऑफ क्या करना है नंबर ऑफ ग्रैम इक्वलेंट ऑफ ए टू ओ एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ एम माइनस और नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट के फॉर्मूला क्या क्या होता है मोल इंटू वी एफ एन इंटू वी डबल तो ए टू ओ की तो मोल गिवन है तो इसके लिए क्या लगा देंगे मोल इंटू इसका वैलेंस फैक्टर और इसके लिए लगा देंगे एन इंटू वी बोलो कोई दिक्कत ठीक है तो इसके मोल कितने है? देखते हैं देखते हैं हम डेटा इसके मोल है 1.5 पॉइंट फाइव इन टू टेन एक्सर माइनस थ्री और वी एफ क्या होता है मोलिक्यूल इसके पर मोलिक्यूल में कितना चेंज होगा तो देखो अगर इसको देखें हम तो ए का प्लस एन आएगा क्या और ओ का माइनस टू हो जाएगा ओ का माइनस टू हो जाएगा क्रॉस तो करेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला अब इसके वन मोलिक्यूल में ए के दो एटीएम है तो चेंज इन ओएन पर मोलिक्यूल अब इसके वैलेंसी फैक्टर की हम बात करें किसकी बात करें वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो क्या होता है चेंज इन ओएन पर मोलिक्यूल प्रति अणु ओएन में परिवर्तन तो इसके एक अणु में एक मोलिक्यूल में दो है ना तो एक का एन तो टू का टू एन यहां पे एक का प्लस फाइव होगा तो टू ए का कितना हो जाएगा प्लस टेन अब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण तो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है तो ज्यादा 10 होगा और वैलेंसी फैक्टर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमने कर दिया 10 2n ठीक है इक्वल टू नॉर्मलिटी क्या होती है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर तो इसकी मोलारिटी आपको गिवन है 0.03 एम है और वॉल्यूम 60 एमएल है रख दे वैल्यू जीरो तो पॉइंट जीरो थ्री यानी थ्री इंटू टेन एक्सर माइनस टू ये होगी गई अब वैल्यू चाहिए किसकी नॉर्मेलिटी की वो क्या होती है मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर और इसका वी एफ कितना होगा प्लस सेवन और यहां पे प्लस टू डिक्रीमेंट हो गया रिडक्शन हो गया कितना चेंज हुआ फाइव का तो इंटू फाइव ठीक है यह क्या ये क्या गई एन नॉर्मेलिटी अब वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम गिवन है एम एल यानी एम एल को लीटर में करना पड़ेगा तो सिक्सटी इंटू टेन एक्सटू पावर माइनस थ्री क्लियर आई बात समझ में अब हमें सॉल्व करना है अब एक काम करते हैं देखो तो पावर की हम बात करें तो इसको फिफ्टीन माइनस फोर कर लें तो माइनस फोर से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस टू और एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा ठीक है और फाइव इंट फिफ्टीन काट आठ देते हैं फाइव इंटू थ्री से फिफ्टी फिफ्टीन इट मीन्स टेन माइनस टू एन इक्वल टू क्या हो गया सिक्स तो यहां से एन कितना टेन माइनस सिक्स बाई टू यानी फोर बाई टू एन की वैल्यू क्या आएगी टू आएगी अब देखो क्या क्या पूछ रहा है ये पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू टू तो इट मीनस आपका फर्स्ट करेक्ट है इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ए रेशियो ओ सिंपल होल नंबर रेशियो ए एन ए टू ओ एन है ना तो ए के टू है और एन की वैल्यू क्या है टू तो आई है तो वन रेशियो वन एन ए हो जाएगा और ऑप्शन में आपको ए ओ ही दिया हुआ है तो सेकेंड भी करेक्ट है अब वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो टेन माइनस टू एन की वैल्यू सिक्स आई है यानी दोनों का वी एफ सेम है सॉरी यहाँ पे क्या है सेवन माइनस टू एम एन फोर साथ में है सात में फोर, ठीक है तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर कितना हो गया एसिडिक मीडियम में प्लस सेवन टू प्लस फाइव हो गया यहाँ सिक्स है तो क्या पूछ रहा, रहा? K2, k2, cR, है जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ ए टू वन वुरोवन और के टू सी आर टू सेवन का यूज किया हमने अभी इसका वी एफ सिक्स आया है ना तो देखो दोनों के मोल सेम और इसका वी एफ तो हमने निकाल लिया देखो ये और के टू सी आर टू ओ सेवन का वी एफ भी क्या है सिक्स है

तो यहाँ पे एक वेलेंसी प्लस टू है कि नहीं कल कर सकते हम निकाल सकते हैं क्योंकि कंपाउंड क्या बन गया ए टू ओ टू बन गया ए टू ओ टू और ए टू ओ टू बन गया तो यहां से हम बात करें तो वैलेंसी क्या आएगी एक की आएगी प्लस टू और प्लस टू सेकेंड की होती है चलो कोई दिक्कत नहीं है बट सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी ओनली तो प्लस टू होती है बट यहाँ पे क्या हो गया एक की प्लस पांच सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी या ओवन कभी प्लस फाइव नहीं हो सकता तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग नहीं कर सकता इसलिए आपका फोर्थ क्या आ गया इनकरेक्ट आ गया क्लियर आई बात समझ में ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा वन टू एंड थ्री अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका सिक्स की बात करेंगे ठीक है इफ फॉलोइंग इफलोइंगलिवियम डेल्टा जी नोट लेस देन जीरो इट मीन कैसा है स्वतः प्रक्रम कैसा है स्वतः है प्रक्रम है एच टू ए प्लस यानी एच ए तो ले रहा है एस प्लस ले रहा है और एच बी एस प्लस दे रहा है इट मीन्स एच बी तो क्या हो गया एसिड हो गया और एच ए यहाँ पे काम कर रहा है किसका बेस का और कौन सा ब्रॉन्सटेन वाली डेफिनेशन अप्लाई हो रही है ब्रॉन्सटेन एसिड जो एस प्लस देता है रिलीज करता है ब्रॉन्सटेन बेस जो एच प्लस एक्सेप्ट करता है अब अगर दो की लड़ाई है दोनों एच ए एस हैं देखा जाए तो दोनों के पास एच है अब देखो दोनों की लड़ाई में जीतेगा कौन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो एक एच बी दे रहा है इट मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एच एस क्या है ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है किससे एच ए से, से. तभी ये एसिड का काम कर रहा है अगर ये ज्यादा स्ट्रोंग होता तो H ये देता पर देखो कौन रहा है B दे रहा है ना तो ये ज्यादा स्ट्रोंग है क्या है एच बी ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है कंपेयर टू और ये इसके कंपेयर में वीक एसिड है अब देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन देखते हैं पी के अब देखो एसिडिक नेचर क्या होता है के के प्रोपोर्शनल ये है तो इसका के क्या होगा ज्यादा होगा इसका के क्या होगा कम होगा और के और पी के क्या होता है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज पी के ए इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव लोग ऑफ के आई बात समझ में नेगेटिव लोग ऑफ के होता है ठीक है अब बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के बाद समझ में ठीक है तो जिसका के ए ज्यादा होगा उसका के ए क्या होगा कम होगा आई बात समझ में तो एच बी का पी के ए कम है और एच ए का पी के ए ज्यादा है ऑप्शन देखो बेटा पी के ए ज्यादा है एच ए का बिल्कुल करेक्ट है आपका वन करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है ओके अब बात करना पीके बी के और के भी इनवर्स तो पी और पी के भी इनवर्स ली ज्यादा है तो उसका जो कॉन्जुकेट होगा उसका क्या होगा के भी ज्यादा होगा यानी एच का पी ज्यादा तो एच का यानी बी माइनस का पी भी ज्यादा तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया यानी बी का क्या होगा B माइनस का कॉन्जुगेट जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो उसका के ज्यादा होगा बिकॉज के एंड के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है वन एंड फोर्थ अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की सेक्शन डी में क्या है इंटीजर टाइप है क्या है इंटीजर टाइप है आंसर आपका जीरो जीरो टू नाइन नाइन के बिटवीन रहेगा तो देखते हैं इसमें फिजिकल की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव होगा फाइव देखते हैं एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी वी गिवन है हैज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के किसकी वैल्यू है डेल्टा के ई अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जूल में है देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको आना चाहिए एंगेस्ट्रोम में और इसकी वैल्यू हंड्रेड एक्स है तो एक्स की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है एक इलेक्ट्रॉन की गतिज गति ऊर्जा सॉरी गति

इक्वल टू होता है एच अपॉन फोर पाई तो यहां से क्या करना है कैलकुलेट आपको डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स क्या होगा एच अपॉन फोर पाई एम डेल्टा वी बोलो कोई दिक्कत ठीक है एच की वैल्यू हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट है फोर पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें डेल्टा वी नहीं पता वी है डेल्टा वी नहीं ध्यान देना बट और क्या दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है तो हाफ तो एम वी स्क्वायर तो डेल्टा के ई क्या होगा डेल्टा के ई डेल्टा के ई क्या होगा टूर जाएगा कहेंगे तो टू से टू कैंसर हो जाएगा एम वी डेल्टा वी क्या होगा एम वी डेल्टा वी वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू वी और टू वी इंटू डेल्टा वी टू से टू मैंने काट दिया तो एम वी डेल्टा वी आ गया तो यहां से जो डेल्टा वी आया वो आ गया डेल्टा के ई अपॉन एम वी को दिक्कत रख दिया वैल्यू तो क्या हो जाएगा एच अपॉन एच अपॉन फोर पाई एम और डेल्टा वी क्या होगा डेल्टा के ई अपॉन एम वी तो डेल्टा के ई अपॉन एम वी क्लियर अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो एम से एम कैंसिल हो रहा है ठीक है और मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे एच की है वी की है ठीक है तो एक, -एक वैल्यू हम पुट करते हैं एच की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस थर्टी फोर है तो सिक्स पॉइंट सिक्स डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर ठीक है इंटू वी वी आपके पास है टू इंटू टेन एक्स्ट पावर सिक्स अपॉन फोर पाई अपॉन फोर इंटू पाई इसके बाद आएगा डेल्टा के और डेल्टा के ही है आपके पास सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन एक्ट पर माइनस ट्वेंटी वन अपॉन पाई ठीक है रख दे वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू ठीक है इन टू टेनेस्ट पावर इन टू टेनेस्ट पावर ट्वेंटी वन अपॉन पाई क्लियर और ये आएगा अभी मीटर में आएगा हम कैसे लेके चल रहे हम पाई से पाई कैंसिल कर दो आप सिक्स पॉइंट सिक्स से सिक्स पॉइंट सिक्स को उड़ा दो क्या क्या बच रहा है टू टू टाइम्स जाएगा पावर की बात करें तो माइनस थर्टी फोर और ये ऊपर जाएगा प्लस ट्वेंटी प्लस और ट्वेंटी हो गया ये वन बाई टू 27, ये आएगा मीटर में और हमें चाहिए में, में तो क्या करेंगे टेन एस्ट पावर माइनस टेन मीटर बट हमें चेंज करना है मीटर को एंगेस्ट्रोम में तो वन मीटर इक्वल टू तो क्या होगा टेन एस्ट पावर टेन एंगस्ट्रोम तो किसे करेंगे मल्टीप्लाई टेन एक्स्ट पावर टेन से तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू टेन एक्स्ट पावर माइनस सेवन इंटू टेन एक्स्ट पावर टेन कितना हो गया फाइव हंड्रेड क्या फाइव हंड्रेड एंगेस्ट्रॉम और इसका जो आंसर वो किस फॉर्म में है हंड्रेड एक्स एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हंड्रेड एक्स बताइए एक्स कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू आ रही है फाइव कितनी आ रही है जीरो फाइव क्लियर बेटा ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं एम ओ एच एक्स है के एस पी गिवन है सॉलिबिलिटी एस गिवन है के एस पी एस एक्स पूछ रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई है ए एक्स बी वाई के लिए जो के एस पी क्या होता है के एस पी होता है एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई कोई दिक्कत करना अपना इसको तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है एम ओ एच एक्स यानी यहाँ पे वन है और यहाँ पे एक्स है तो इसका के पी क्या होगा वन की पावर वन वन ही आएगा इन टू एक्स की पावर एक्स ठीक है और एस की पावर यानी एस की वैल्यू है वन इंटू टेन एक्स की पावर माइनस फोर एस की पावर एक्स प्लस वाई दिस प्लस दिस यानी वन प्लस एक्स

और यहाँ क्या गया टू और वन थ्री तो क्या आएगा माइनस ट्वेल्व यानी एक्स इक्वल टू टू इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर क्या आएगा जीरो टू क्लियर बेटा तो इसी के साथ सॉल्यूशन फिनिश होता है ठीक है और जेई मेन के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट आप अच्छे से पढ़ें और विदाउट हेजिटेशन या बिना किसी डर के आप एग्जाम दें ठीक है सी के सी की गुरुनीति आप देखें सी के जो जे के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं वो सारे अपलोड हो गए हैं ऑलमोस्ट ठीक है या जो बाकी है वो हो जाएंगे रिसेंटली ठीक है उनको देखिए उनसे प्रैक्टिस करें आप ठीक है और डी के जितने भी पेपर हैं उनको ईमानदारी सॉल्व करें तो श्योर आपका सलेक्शन होने वाला है बस आप हार्ड वर्क करें ठीक है तो अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट थैंक यू बेटा जय सी सी